नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। सर्द होते मौसम के बीच उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ने लगा है। अब समाजवादी पार्टी के परफ्यूम को लेकर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने जहां समाजवादी परफ्यूम लॉन्च कर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं अब बीजेपी ने अखिलेश यादव और सपा पर पलटवार किया है। दरअसल यूपी में साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को 22 किस्म के प्राकृतिक सुगंधों को मिलाकर समाजवादी इत्र लॉन्च किया और दावा किया कि इसकी खुशबू से नफरत की राजनीति खत्म होगी। अखिलेश की इस पहल पर बीजेपी ने सपा को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि सपा मुखिया द्वारा लॉन्च किए गए इस इत्र से समाजवादी पार्टी के पापों की दुर्गंध भी नहीं जाने वाली। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, गुंडाराज, अपराधी अपराध तथा सरकारी धन की खुली लूट के संरक्षण से उत्पन्न हुई विषैली गंध अब मिट नहीं सकती है। इससे त्रस्त होकर जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। प्रदेश की जनता दोबारा सत्ता के गुंडाराज और भ्रष्टाचार के जहरीले कॉकटेल को मौका नहीं देगी। इस इत्र से सपा के पापों की दुर्गंध आती है। वहीं दो दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तब अपराध का इत्र खूब महकता था। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब अपराध वाला इत्र नहीं चाहिए। यूपी की जनता को भ्रष्टाचार और भय फैलाने वाला इत्र पसंद नहीं है। देश में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी की सरकार के जरिए रामराज की खुशबू है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के कार्यों को उत्तर प्रदेश और देश की जनता मानती है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले साल की शुरुआत में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।